जितने भी पौधे उगते हैं मैं उन्हें उगने देती हूँ। कभी कभी कुछ ऐसे दिन आ जाते हैं महिलाओं के कि जिस समय तुलसी का सेवन नहीं करना चाहिए, पहले उसे धो लेना अच्छे से, फिर पानी सूख जाए उसके बाद ये करना है। इतना लाभकारी बताते हैं कि श्री हरि और लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तुलसी जी में बहुत सारे औषधि गुण छिपे हुए हैं। तो राधे राधे, कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी एवं सदा खुश रहना। तो आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर तुलसी का पौधा घर में सूख जाता है तो टेंशन नहीं लेना, ये नहीं सोचना कि अरे ये तुलसी का पौधा सूख गया तो अपशगुन हो गया। कोई बात नहीं, सूख जाता है, क्योंकि तुलसी जी जो है बहुत नाजुक होती हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है तब भी सूख जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तब भी सूख जाते हैं, और पानी कम दें यानी कि पानी देना भूल जाएँ 2-3 दिन तो उसकी वजह से भी सूख जाती हैं। अगर पानी ज़्यादा हो जाता है उसकी वजह से भी, इसलिए ये जो है नाजुक होती है, बहुत इनकी देखभाल अच्छे से करनी होती है। तो इसका यूज़ कैसे करना है मैं वो आप लोगों को बता रही हूँ, जैसे कि मैं यूज़ करती हूँ तो वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो क्या है, ये तुलसी का पौधा है, ये जड़ से ही मैंने उखाड़ रखा है क्योंकि इसकी जड़ें जो है ना कमज़ोर जाती है, उसकी वजह से ही सूखता है। तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो है मैं अलग तोड़ लेती हूँ, बीच वाला अलग, नीचे वाला अलग, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर पेड़ का जो ऊपर वाला तना होता है बारीक वाले, वो मैंने यहाँ पर तोड़ के रखे हैं, और जो नीचे का तना होता है, जड़ और मोटी डंडी है जो इसकी, वो मैंने अलग रख दी है। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा छोटा छोटा और तोड़ के इसे मिक्सी में घुमा के आपके सामने फिर दिखाती हूँ। और एक बात और बोलना चाहूँगी कि अगर आपने जो भी है तुलसी जी का इस तरह का कुछ करना है, मतलब पीस के चाय के काढ़े के लिए अलग रखना है और तिलक के लिए अलग रखना है, तो आप पहले तुलसी जी को अच्छे से धो देना, क्योंकि शहरों में बहुत सारा प्रदूषण होता है तो उसकी वजह से इस पर मतलब अच्छा नहीं है। हम अपने लड्डू गोपाल को तिलक लगाएंगे इसका चंदन के साथ मिला के, तो उनके लिए भी शुद्ध चाहिए। धूल मिट्टी उतना मायने नहीं रखती जितना कि जो प्रदूषण है ना वो हमारे लिए भी हानिकारक है। तो पहले उसे धो देना अच्छे से, फिर पानी सूख जाए उसके बाद ये करना है। तो मैंने छोटे छोटे पतले तने जो तोड़ के आप लोगों को दिखाया था, उन्हें मिक्सी में घुमाने के बाद मैंने यहाँ पे पाउडर बना दिया है, और इस पाउडर को मैं लड्डू गोपाल को जब तिलक लगाऊंगी चंदन का तो उसमें इसे मिक्स करूँगी, और इसी का तिलक हम भी लगाएंगे। और जो घुमाने के बाद मोटा मोटा ये बचा हुआ है तो इसका हम क्या करेंगे, जैसे काढ़ा बनाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा जुकाम खांसी हो जाती है तो काढ़ा बनाएंगे, उस काढ़े के साथ हम इसे एक चम्मच इसे भी डाल देंगे। इसे चाहें तो थोड़ा सा पतला और कर सकते हैं, तो काढ़ा बनाएं या फिर चाय में आप लोगों को अच्छी लगती है तुलसी जी तो चाय में इसको डाल सकते हैं, और इसे अलग से डब्बे में रख दें क्योंकि चाय के साथ मिक्स नहीं कर सकते, बहुत मोटा है, पतला भी कर सकते हैं इसको। और दूसरा, जो हमने मोटी मोटी डंडियाँ अलग करी थी जो मैंने आप लोगों को दिखाया ये, तो इसका उपयोग हम क्या करेंगे, जैसे घर में पाठ पूजा होती है, हवन होता है, तो हवन में इसका उपयोग ज़रूर करें, क्योंकि हमारे पंडित जी बोलते हैं इसका हवन में उपयोग करने से श्री हरि और श्री लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। तो इसे आप हवन में ज़रूर उपयोग करें, और अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो आप क्या करें, जब तुलसी का पौधा सूखता है तो क्या करें, छोटे छोटे टुकड़े करके जिस तरह मैंने आप लोगों को दिखाया उसे मिट्टी में दबा दें, और धीरे धीरे क्या होगा, वो मिट्टी में मिक्स हो जाएगा, यानी कि पौधा भी मिट्टी के रूप में हो जाएगा। अगर आपने वो भी नहीं करना तो आप क्या करें, तुलसी के पौधे को किसी बर्तन में या फिर छत पर कहीं पर जला दें और उसकी राख को उठा के गमले में डाल दें। इससे क्या होगा भाई कि जो हम पौधे सूखने के बाद उसे पार्क में ले जाते हैं या फिर कहीं ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ पर लोगों का पैर पड़ता है, लोग कहीं पर भी ऐसी जगह पर पेशाब कर देते हैं, या फिर पार्क वाले क्या करते हैं उसे सब जब झाड़ू लगाते हैं पूरा कूड़े में उसे इकट्ठा कर देते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये मैंने देखा है, इसलिए मैं यही उपयोग करती हूँ। या तो फिर इस तरह का मिश्रण बना देती हूँ, और ये मिश्रण मैं इसलिए बनाती हूँ जब तुलसी जी का पौधा सूख जाता है, पत्ते उपलब्ध नहीं होते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल को जब भी हम भोग लगाते हैं उनके लिए बिना तुलसी दल का हम भोग नहीं लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, तुलसी जी सूख गई है उसकी डंडिया को धो धा के अच्छे से रख देते हैं, फिर छोटी सी डंडी तुलसी जी की तोड़ी और उनके भोग में उसे ही रख देते हैं। तो ये उपयोग मैं उनके लिए करती हूँ, और ये जो मैंने पाउडर बनाया, ये पाउडर तुलसी जी का तिलक भी लगता है लड्डू गोपाल को, तो ये पाउडर मैं इसलिए बनाती हूँ। ठीक है, तो ऐसी जगह इन्हें ना फेंकें
कि जहाँ पर लोगों का पैर लगे या हमारा पैर लगे फिर हम देखते हैं हमें अच्छा नहीं लगता वो चीज़। तो इन तीन उपायों में से एक उपाय आप जरूर करें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर करो कि मैं किस तरह तुलसी का सूख जाने के बाद उसका उपयोग करते हैं। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट लाइक शेयर जरूर करना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कीजिएगा। कल आती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।